साथ ही प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की बैठक, बैठक में सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। पीसीसी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। प्रभारी रंधावा गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक लेंगे। आपको बता दें कि सभी जिला अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। पीसीसी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक लेंगे। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की ये बैठक है। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक लेंगे। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। बता दें कि पीसीसी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। साथ ही प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक लेंगे। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक। अधिक जानकारी के लिए दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, देखिए प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसके अंदर सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। क्या ताजा जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी देखिए, हाल ही प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी और जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति हुई थी, तो आज उनकी पहली बैठक रखी गई है। चुनावी साल है, लिहाजा तमाम पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस चुनावी रणनीति कर बैठे, चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा कर रही है और साथ ही किस तरह चुनाव में काम करना है, किस तरह सरकार की स्कीम का प्रचार प्रसार करना और किस तरह जो संगठन निर्देश देता है उनको पालन करना, इन तमाम रणनीतियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। प्रभारी रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक लेंगे और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे और सीएम गहलोत भी वर्चुअली यहाँ पर वीसी से जुड़ सकते हैं और अपना संबोधन इन पदाधिकारियों को दे सकते हैं। जी दिनेश, कब तक चलेगी बैठक? आपने जिस तरह से बताया कि 11 बजे शुरू होगी, तो कब तक चलेगी? जी देखिए, पिछली बैठक की हुई थी काफी लंबी चली थी, तो ये बैठक की पूरी संभावना है कि मैराथन बैठक चलेगी, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी प्रदेश कार्यकारिणी है और 39 के करीब जिला अध्यक्ष है, तो लंबी बैठक ये चल सकती है और चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा। लगातार कांग्रेस चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि मिशन मोड पर आ चुकी है और किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह संगठन काम में जुट जाए, यही इस बैठक का मकसद है। जी दिनेश, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सरकार को रिपीट करने की बात करते हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में नई कार्यकारिणी की बैठक आज है और काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है बैठक, क्योंकि कई मुद्दों पर आज चर्चा होगी, स्ट्रैटेजी भी बनाई जाएगी। देखिए, अब चुनाव में ज्यादा समय यहाँ पर नहीं बचा है और संगठन के गठन में पहले ही देनी थी नियुक्तियों में, तो अब किस तरह उसको कवरअप किया जाए, किस तरह काम में जुट जाए, इसके लिए बैठकों का दौर जारी है और फिर निरातर पर जिलों में इनको काम करना है, इनको जिम्मेदारियां दी जाएगी और इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है ताकि सभी चुनावी मोड में आ जाए, क्योंकि चुनावी काल में गतिविधियां बहुत जरूरी है संगठन की, उसी के ध्यान से ये बैठक हो रही है। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की बैठक आज होने वाली है, सभी जिला अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही बता दें कि प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक लेंगे और सभी जिला अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है।